ये डॉलेंस 1480i इन्वर्टर डिश वॉशर मॉडल है, जिसकी आज हम आपको इंस्टॉलेशन और इसमें हम रीजनरेशन सेटिंग किस तरीके से कर सकते हैं इसका प्रोसीजर हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। इंस्टॉलेशन से पहले आप इस चीज़ का इत्मीनान कर लें कि जो पानी की सप्लाई है वो 1 इंच पाइप के साथ आपके पास मौजूद हो, जिसमें आप डिश वॉशर का इनलेट पाइप को आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा इनलेट पाइप है डिश वॉशर का, जिसमें एक साइड यानी कि जो फिल्टर वाली साइड है, आपको नेट नज़र आ रही होगी, ये साइड हम टैप के साथ कनेक्ट करेंगे और जो इसकी दूसरी वाली साइड है इसको हम डिश वॉशर के अंदर सेट कर देंगे। थ्रेड वाली साइड हम इसको टाइट कर देंगे इनलेट पाइप के अंदर। ये हमारी डिश वॉशर की इनलेट पाइप की साइड है जो हम कनेक्ट करेंगे। क्लॉकवाइज घुमाकर टाइट कर सकते हैं। ख्याल रहे कि डिश वॉशर की ड्रेन को हमेशा आप ऊपर की तरफ हैंग करेंगे बैक साइड पर। ये आपको नजर आएंगे क्लिप जिसमें ये हैंग हो जाती है, और ड्रेन का जो हिस्सा जहाँ पे आप इसके आगे अगर आपकी डायरेक्ट ड्रेन अवेलेबल नहीं है तो पाइप एक्सटेंड करना है, तो आप इसके आगे पाइप कनेक्ट कर सकते हैं, फिर डायरेक्ट ड्रेन में आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं। डिश वॉशर को आप 3 पिन सॉकेट के अंदर कनेक्ट करेंगे। प्लग ऑन करने के बाद यहाँ पर 10 ऑन ऑफ बटन की मदद से आप डिश वॉशर को स्टार्ट कर सकते हैं। रीजनरेशन सेटिंग के लिए आप पी प्लस और डिले का बटन है इसमें, इस पर क्लॉक बनी हुई होगी, इनको एक साथ प्रेस करते हैं आप। इसमें 3 2 1 काउंटर चलेगा और आपके पास ये L1 लिखा हुआ आएगा। अगर अगेन आप जो है दोबारा इसको पी प्लस को प्रेस करेंगे तो आपके पास P3 लिखा आएगा, आप दोबारा पी प्लस प्रेस करेंगे तो R1 लिखा आएगा। तो R1 इसमें सेटिंग्स दी हुई हैं वो R1 R2 R3 R4 R5 दी हुई हैं, ठीक है, 5 सेटिंग्स होती हैं। आपने इसमें लेट से R2 सेट करना है, जो आपका वाटर की कंडीशन है जो हम चेक करते हैं इसमें, तो उसके मुताबिक आपके पास सेकेंड लेवल सेलेक्ट होते तो आप R2 इसमें सेट कर सकते हैं और दोबारा आप इसको जो है वो अगेन ऑफ कर ले, ठीक है। आपने इंश्योर करना है कि आपकी सेटिंग R2 पे है। ओके, बस R2 की सेटिंग मौजूद है। जब आप डिश वॉशर का डोर ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे अंदर की साइड पे भी मैनुअल सेटिंग दी गई है, और किसी भी फ्लैट स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप इसको जो है वो 2 के ऊपर, जो कट वाला ओपन वाली साइड, आप इसको 2 के ऊपर सेट कर सकते हैं। नहीं, वो आया नहीं वाला, वो पहले मैं दिखा चुका हूँ।